हेलो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में यहाँ पे देखा था जो यहाँ पे यांग रेन थी उसको यहाँ पे विल्सन के बॉडीगार्ड पकड़ के ले आए थे और मैन कैरेक्टर उसके पीछे पीछे आया था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब मैन कैरेक्टर अपने मन में कहता है ऐसा लग रहा है कि अभी सही टाइम है अंदर जाने का, और यहाँ पे मैन कैरेक्टर का कोई पीछे आता है और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और अब मैन कैरेक्टर अपने मन में कहता है तुमको यहाँ पे लगता है तुम यहाँ पे मुझे सिर्फ एक वायर से मार पाओगे, और जो उसके पीछे वो बंदा खड़ा था उसको वायर को खींचने जा रहा होता है। पर जो मैन कैरेक्टर वो समझ जाता है और कहता है कि अभी मेरा चांस है तुमको मारने का, और यहाँ पे जो उसका वायर होता है वो खींच लेता है और कहता है तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार पाओगे, और यहाँ पे उसको उठा के पटक देता है और कहता है मैं तुमको सिखाता हूँ कैसे मारा जाता है। और यहाँ पे वो बड़े बड़े सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो यहाँ पे सिर्फ एक बॉडी गार्ड, उसके पास इतनी ज़्यादा स्किल कहाँ से आई। और मैन कैरेक्टर कहता है ये सब खत्म हुआ, हम यहाँ पे दूसरी बार मिलेंगे तो मैं तुमको मार दूंगा। और यहाँ पे कुछ आवाज़ सुन के कुछ बॉडीगार्ड आ रहे होते हैं और कहते हैं यहाँ पे क्या हुआ, इतने साउंड क्यों आई। पर मैन कैरेक्टर वहाँ से चला गया होते हैं। फिर एक बॉडीगार्ड उसके पास आता और कहते हैं कि मिस्टर जॉन यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे मिस्टर जॉन होते अपने मन में सोच रहे होते कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई अटैक करने के लिए आया। और यहाँ पे वो कहते हैं कि फटाफट से मिस्टर विनकी यहाँ पे सिक्योरिटी को बढ़ा दो, और यहाँ पे कोई उनके कमरे के पास ना जा पाए। तो और यहाँ पे दूसरी साइड एक कमरे का सीन दिखाया जाता है, उसमें यहाँ पे यांगरू और विल्सम होता है। और विल्सम कहता है कि लिटिल ब्यूटी तुमको इतने ज़्यादा नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ यहाँ पे आराम से करूँगा। तो यांगरू कहती है प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे यहाँ से जाने दो। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पे मेरे ऑर्डर को फॉलो करोगे तो मैं तुमसे यहाँ पे जाने दूंगा। पर यहाँ पे यांगरू होती है चिल्लाने लगी और यहाँ पे जो वास होता है वो टूट जाता है और जोर से चिल्लाती है कि मुझे यहाँ पे कोई बचा। पर वो सुन के जो तो बॉडीगार्ड होती है अंदर आ जाती है और कहते बॉस यहाँ पे सब कुछ ठीक है, यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो सुन के विल्सम कहते तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए, तुमने अभी मुझे एक बार वापस से डिस्टर्ब किया तो मैं तुमको सी में फेंक दूंगा और यहाँ पे तुमको शार्क को खिला दूंगा, तुम फटाफट से बाहर चले जाओ। तो वो कहते हैं कि हाँ बस हम यहाँ पे समझ गए, हमने यहाँ पे न्यूज़ मिली कि एक बॉडीगार्ड को किसी ने नॉकआउट कर दिया, इसलिए हम आपको चेक करने के लिए आए। और यहाँ पे यांगरू कहते हैं कि प्लीज़ यहाँ पे मेरी मदद करो। तो यहाँ पे विल्सम कहता है कि तुम्हारी कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा, तुमको जितना चिल्लाना उतना चिल्लाओ, यहाँ पे मैं तुमको छोड़ने वाला तो हूँ नहीं। और यहाँ पे हंस रहा होता है। मैन कैरेक्टर दूसरी साइड से रस्सी से अंदर आ रहा होता है और कहता है मुझे लग रहा है इस कांच को मैं आसानी से तोड़ पाऊंगा, और यहाँ पे कांच को तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। जो विल्सम होता है उनके बॉडीगार्ड को बुलाने जाता है, पर तब तक तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था क्योंकि जो मैन कैरेक्टर उसको यहाँ पे खींच कर लगा देता है। यहाँ पे अंदर से बॉस चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, ऐसा लग रहा है कि बॉस आज बहुत ज़्यादा मजे उठाने वाले और यहाँ पे बॉस कितने ज़्यादा चिल्ला रहे। फिर दूसरा बंदा कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बॉस यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और अंदर तो कोई दूसरा ही सीन चल रहा था क्योंकि जो मैन कैरेक्टर है उसने यहाँ पे विल्सन को एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया था। और मैन कैरेक्टर कहता है कितना ज़्यादा वीक है, यहाँ पे मेरे एक पंच भी सह नहीं पाया और यहाँ पे नॉकआउट हो गया। और वो सब देख के यांगरू तो पूरी की पूरी शॉक्ट हो जाती है और कहती तुम यहाँ पे कौन। तो जब मैन कैरेक्टर उसके ग्लासेस हटाते हैं वो कहते तुम यहाँ पे मुझे याद नहीं, हमने कुछ घंटों पहले खाना खाया था, तुम यहाँ पे मुझे भूल गए। और यहाँ पे वो रोते रोते मैन कैरेक्टर के पास आती है और कहती तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और यहाँ पे बाहर से आवाज़ आती है कि गॉड मुझे पता है तुम यहाँ पे अंदर हो, तुम यहाँ पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहते हो, तुम फटाफट से बाहर आओ। फिर यहाँ पे रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे सारे के सारे बॉडीगार्ड खड़े होते हैं और यहाँ पे जॉन के साथ में जीजी भी होती और मैन कैरेक्टर एलिवेटर से बाहर, और यहाँ पे चारों तरफ बॉडीगार्ड तैनात होते हैं। और मैन कैरेक्टर विल्सन को लेकर बाहर आते हैं और यहाँ पे विल्सन को आगे रखते हुए कहते हैं कि तुम्हारी गन यहाँ पे नीचे कर दो, और विल्सन भी चिल रहा होता है कि यहाँ पे मेरी बात सुनो, गन फटाफट से नीचे कर दो। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर जॉन से कहता है मैंने सोचा नहीं था तुम मुझे इतनी जल्दी यहाँ पे पकड़ लोगे, मैं तुम्हारे पास कुछ तो स्किल है। वो सुन के जॉन कहता है कि तुम्हारी तारीफ के लिए शुक्रिया, पर यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत कैमरे चेक किए और यहाँ पे मैंने वीडियो देखे तो मुझे उसमें पता चल गया। और यहाँ पे जीजी तो पूरी की पूरी डरी हुई है। और यहाँ पे जो जॉन होता है वो कहता है अगर तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहते हो तो ऐसा कोई मिस्टेक मत करना, फटाफट से सरेंडर कर दो। और जो मेन कैरेक्टर होता है जीजी को आंख मारते हुए कहते हैं तुमको यहाँ पे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब यहाँ पे मेरे अंडर कंट्रोल में। फिर वो सुनकर जॉन कहता है तुम यहाँ पे पागल हो चुके, तुम यहाँ पे मेरे साथ खेलना चाहते हो, यहाँ पे कितने सारे लोग खड़े, तुमको लगता है तुम इतनी आसानी से मेरे हाथों से बच पाओगे, तुम यहाँ पे मारे जाओगे। और जो मैन कैरेक्टर होता है विल्सन के गले पे चक्कू रख देता है और कहता है मैं फटाफट से कहता हूँ कि उसके घर नीचे रखो, मुझे यहाँ पे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना, मैं इसको यहाँ पे मार दूंगा। और यहाँ पे विल्सन भी डरते डरते कहता है कि तुम यहाँ पे सारे के सारे लोग अपने घर नीचे करो, यहाँ पे बॉस कौन है। और यहाँ पे विल्सन के दो बॉडीगार्ड होते हैं, सबसे जो लड़की होती है वो कहती है कि सारे लोग अपने घर नीचे कर दो, पर यहाँ पे जो जॉन होता है उसको रोक देता है और कहता है तुम यहाँ पे मेरी बात सुनोगे,
और यहाँ पे जो लड़की के पास जाके उसमें कुछ काम में कहता है, और यहाँ पे लड़की कहती है कि हाँ सुन मैं यहाँ पे समझ गई, और यहाँ पे लड़की कहती है कि बॉस आप यहाँ पे मर गए तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके जो कंपनी के जो शेयर है उसको यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे हम इक्वली इक्वली पार्ट देंगे, और यहाँ पे हम इस ऑफर को रिफ्यूज नहीं कर सकती। तो वो सुन के यहाँ पे विल्सम होता है उस पर चिल्लाता और कहता तुम दोनों यहाँ पे बेस्ट हो, मैंने तुम्हें इतना साल रखा इतने साल खिलाया, तुम यहाँ पे आउटसाइडर की बात कैसे मान सकते। पर यहाँ पे उसका जो एक बॉडीगार्ड होता है वो कहता है कि बॉस अभी बातें करने का वक्त खत्म हुआ, अब तुम्हारा टाइम है यहाँ से जाने का। और यहाँ पे दीदी कहती है कि शाओशांग बच्चों, और यहाँ पे मैन क्रेडर की तरफ गोली आती है, पर मैन क्रेडर सही टाइम पे बच जाता है, और यहाँ पे विल्सम होता है वो मारा जाता है, और यहाँ पे सारे लोग मिलकर मैन कैरेक्टर पे अटैक करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो जॉन होता है वो गोली मारते हुए कहते हैं गॉड तुमको यहाँ पे छुपने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपने फटाफट से बाहर आओ और अपनी डेथ को एक्सेप्ट करो, मैं तुमको प्रॉमिस करूंगा मैं तुमको एक ही बारी में मार दूंगा। तो जो मेन कैरेक्टर होता है अपने मन में कहता है विल्सन अभी मारा जा चुका है, पर यहाँ पे मुझे सिस्टम ने कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया जो मिशन है वो खत्म हो चुका है, और मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है ऐसा लग रहा है कि अभी ये मेरा टाइम है और यहाँ पे उन सबको मुझे मारना ही पड़ेगा। जो जॉन होता है वो कहता है तुम जाओ और यहाँ पे उसको चेक करो, उसको यहाँ से भागने मत देना। तो सारे बॉडी गार्ड कहते हैं कि ओके, और यहाँ पे मेन कैरेक्टर को चेक करने के लिए जाते हैं, पर मेन कैरेक्टर अचानक से बाहर निकल कर सब पे हमला करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे सबको मारना स्टार्ट करता है। फिर यहाँ पे जॉन ने उस पर गोलियों का अटैक करना स्टार्ट करता है, तो उसको कोई तो मैन कैरेक्टर किसी बंदे को आगे ला लेता है और यहाँ पे पूरी की पूरी गोली उस पर लगती है, और यहाँ पे जॉन जोर से चिल्लाता है कि उसको यहाँ पे जाने मत देना। अगर वो सब देखे तो जीजी पूरी की पूरी डर रही होती है, और जो मैन कैरेक्टर होता है चक्कू लेकर लाइटों को बंद कर देता है, और यहाँ पे जो जॉन है वो चिल्लाता है कि फटाफट से लाइट चालू करो और यहाँ पे उससे जाने मत देना, और जो मेन कैरेक्टर होता है अंधेरे में सबको मार रहा होता है। और यहाँ पे जो विल्सन का बॉडीगार्ड होता है चिल्लाता है तुमको यहाँ पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ पे सब साथ में आ जाओ, हम इतने सारे लोग हैं वो उतनी आसानी से नहीं मार पाएगा। और जो मेन कैरेक्टर उसके पीछे आ जाता है और कहता है तुमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी, तुमने यहाँ पे बोल के तुम्हारी लोकेशन रिवील कर दिया, और सारे बॉडीगार्ड कहते हैं वो यहाँ पे फायर करते हैं और वो बंदा पूरा का पूरा मारा जाता है। तो यार हम आके देखेंगे कि जो मेन कैरेक्टर जोन के बीच में यहाँ पे फाइट कैसे होगी और यहाँ पे जीजी को कैसे बचा पाएगा। तब तक के लिए सायोनारा।